सहज कर रखे गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में, कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है हमारे अलग अलग सेगमेंट के जरिए। पहले विज्ञान और किसान में आज बात करेंगे मछली पालन की। कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे सफल पशुपालक से जो कि डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में, पीएम कुसुम योजना और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की भी। लेकिन आइए सबसे पहले कृषि दर्शन में आपको लिए चलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में डीडी किसान के स्टूडियो में। 2020 में हमने ये शुरुआत करी थी एक उद्देश्य लेके कि किसान भाइयों को किस तरह हम मदद कर सकते हैं। कोविड का टाइम था और हर किसी के लिए एक सामान को लेने करने की ज़रूरत जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इसी उद्देश्य से फार्म्स कंपनी को हमने बनाया कि ये स्टार्टअप जो है वो फार्मर के लिए, किसान भाइयों के लिए किस तरह मदद कर सकता है उनको रोज़ का सामान पहुंचाने के लिए। बेशक उसके अंदर उनको ज़रूरत का पशु आहार हो, उसके अंदर सीड हो, फर्टिलाइज़र हो, बीमा की योजनाएं हो या इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो, वो किस तरह हम उनको घर घर दे सकते हैं और रोज़ उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुँचा सकते हैं। 2020 से शुरू कर एक गांव से हमने शुरुआत करी और आज 7 स्टेट में 70,000 गांव के अंदर लाखों किसान भाइयों को हम सामान जो है हर महीने वो पहुंचाते हैं, जिसके अंदर पशुहार से लेकर हर तरह का जो सामान है उन तक वो पहुंचता है। इसी में मैं यहां पर सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से यो ये स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप को इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। इससे हमें बहुत छोटे स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और अपनी सुविधाओं को किसान भाइयों के लिए हर तरफ, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गांव में पहुंचाने का एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी और भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स को मदद की, हर रोज़ उनके लिए कोई ना कोई स्कीम और सुविधाएं लेके आते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है पिछले एक साल के अंदर बहुत काम इस पर हो रहा है, ये हमें स्टार्टअप्स को बहुत मदद करेगा। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार हमारे जो किसान हैं उनके लिए अलग अलग एग्री स्टार्टअप जो हैं तैयार किए जा रहे हैं। अब आइए विज्ञान और किसान में देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि और उसके साथ साथ हमारे जो किसान हैं पशुपालक और उससे जुड़े हुए जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनसे जुड़कर अपने मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही क्षेत्र है मछली पालन का भी। तो किस तरीके से मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर आप भी ना सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं बल्कि इसमें भी किस तरीके से सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, उनकी मदद लेकर आप भी अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, दोगुना कर पाएंगे। आइए लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। मछली पालने के लिए ऐसे तालाब की जरूरत होती है जिसमें कम से कम 6 महीने पानी उपलब्ध रहे और गर्मी के दिनों में भी कम से कम 5 फीट पानी भरा रहता हो। अगर ऐसा तालाब नहीं है तो अगल बगल से पानी की व्यवस्था करनी होगी। आप चाहें तो नया तालाब खुदवा सकते हैं। नए तालाब के लिए निचली जगह का चुनाव करें, ऐसी जगह जहाँ पानी ज्यादा समय तक रुकता हो। दोमट मिट्टी ज्यादा समय तक पानी रोकने वाली होती है। वैसे तो छोटे तालाब में मछली पल जाती है, लेकिन अगर कम से कम आधे एकड़ का तालाब होगा तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होगी। तालाब आयताकार हो और चौड़ाई के मुकाबले लंबाई 3 गुना होनी चाहिए।
तालाब की तलहटी में पेड़ की जड़ या पत्थर को ना छोड़ें। आगे चलकर ये मछली पकड़ने में रुकावट बनेंगे। अगर तालाब में पानी भरने के लिए नदी, नाला या नलकूप है तो 5 से 6 फीट की गहराई काफी है, वरना ये 10 से 11 फीट रखनी होगी। मछली का बीज छोड़ने से 8 से 10 दिन पहले तालाब में गोबर और चूना डालना है। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए 40 क्विंटल सड़े गोबर की जरूरत होती है। इसे एक साथ नहीं बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है। शुरू में 8 क्विंटल, इसके बाद हर माह 4-4 क्विंटल। तालाब में चूना डालना बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी जगहों पर जहाँ की मिट्टी अम्लीय है। महीन पाउडर चूना तब देना है जब तालाब सूख गया हो और सभी बेकार मछलियों को उससे निकाल लिया गया हो। तालाब में रासायनिक खाद भी देना जरूरी है। इसके लिए 80 किलो डीएपी, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालें। इसे भी एक बार में नहीं देना है बल्कि हर माह थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। अगर आपके तालाब में सड़े गले पत्ते या इसी तरह की दूसरी चीजें आती हैं, तो फिर गोबर की मात्रा कम की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि तालाब में किस तरह की मछलियाँ पालनी है। वैज्ञानिक खोज के बाद ये बात सामने आई है कि अगर 6 किस्मों की मछलियाँ एक साथ पाली जाएं, तो पैदावार ज्यादा होती है। इन 6 किस्मों में शामिल हैं कतला, मृगल, रोहू, सिल्वर कॉप, ग्रास कॉप और कॉमन कॉप। इन किस्मों को पालने से सभी तरह के भोजन का सही से उपयोग हो जाता है। वैसे भी इन मछलियों की आपस में दोस्ती होती है और बड़ी मछलियाँ छोटे बच्चों को नहीं खाती। तालाब में जगह सीमित होती है, इसलिए बहुत ज्यादा मछलियों का बीज डालने का कोई फायदा नहीं है। अगर बीज बड़े आकार का यानी 3 इंच लंबा है तो 1 एकड़ में 4,000 बीजों की जरूरत होगी और अगर लंबाई 1 इंच है तो 10,000 बीज डालने होंगे। अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद के अलावा पूरक आहार भी देना होता है। इसके लिए सरसों की खली और धान का कूड़ा समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम डालते रहें। बीज डालने के बाद हर महीने जाल डालकर मछली की बढ़वार को देखते रहें। अगर किसी तरह की बीमारी, दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर मछली पानी के बाहर कूदे या हवा में मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करें तो समझ लें कि पानी में ऑक्सीजन की कमी है। पानी को बांस से पीटें, कुछ चूना पाउडर डाल दें या फव्वारा की तरह पानी को फेंकें। इससे पानी के ऑक्सीजन स्तर में सुधार आ जाएगा। पानी का रंग गहरा हरा होने पर पूरक आहार और खाद देना बंद कर दें। हरा रंग हल्का पड़ जाए तो पूरक आहार फिर से शुरू कर दें। अगर मछली पानी की सतह पर समूह बनाकर घूमे तो समझ लें कि वो भोजन तलाश रही है। ऐसे में पूरक आहार बढ़ा दें। अगर मछली अकेले घूम रही है तो इसका मतलब है कि वो बीमार है। तालाब से सभी मछलियों को एक साथ नहीं निकालना है बल्कि थोड़ी थोड़ी करके पकड़ना है। इससे उत्पादन ज्यादा होगा। इस तरह 1 एकड़ तालाब से साल भर में 15 क्विंटल मछलियों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में क्या है खास।
किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। आज कृषि स्टार्टअप में आपको हम मिलवाने जा रहे हैं एक सफल पशुपालक विद्या सागर जी से, जो कि डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में अब दूसरे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कैसी रही इनकी कामयाबी की ये दास्तां, कैसा रहा इनका सफर, आइए देखते हैं। सागर पलवल गांव बामनी खेड़ा हरियाणा के रहने वाले एक सफल दुग्ध उत्पादक हैं। इनके माता पिता सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खेती और पशुपालन किया करते थे। विद्या सागर इसी परिवेश में पले बड़े, जिस कारण इन्होंने खेती और पशुपालन को करीब से देखा था। विद्या सागर पढ़ाई के साथ साथ पशुओं के लिए चारा काटने, उसे घर ले जाने और पशुओं को चारा खिलाने में अपने पिता की मदद किया करते थे। विद्या सागर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा पलवल में ही की, उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी ली। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। 15 साल व्यवसाय करने के बाद विद्या सागर इमिग्रेशन लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां जाकर इन्होंने कृषि गतिविधियों को देखा, जिसमें इन्हें डेयरी फार्मिंग ने आकर्षित किया। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी फार्मिंग को इन्होंने ज्यादा व्यवस्थित पाया, साथ ही देखा कि वहां के फार्मों में कम लोगों के साथ ज्यादा काम बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। अपनी डेयरी फार्मिंग खोलने का सपना लिए विद्या सागर भारत लौटे और वर्ष 2013 में अपने डेयरी फार्मिंग की इकाई बनाई। 7 पशुओं से शुरू डेयरी फार्मिंग का सिलसिला 100 पशुओं तक जा पहुंचा। शुरू में इन्होंने अपने फार्म में केवल गाय रखी, बाद में वे भैंस भी रखने लगे। विद्या सागर ने अपने फार्म को आधुनिक तरीके से बनाया। इन्होंने गाय और भैंसों के लिए अलग अलग शेड बनाई, जिसमें पशुओं को हवा और क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था थी। 15 से 16 फुट की ऊंचाई रखी और 12 फुट के किनारे बनवाए, ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे और उन्हें प्राकृतिक हवा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने के उद्देश्य से विद्या सागर पशुओं का खास ख्याल रखते थे, जिसके लिए वे पशुओं के रखरखाव, अच्छा चारा और तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। इन्होंने पशुओं के पीने के पानी की भी खास व्यवस्था कराई, ताकि पशु जब चाहें आसानी से साफ पानी पी सके। पशुओं के बैठने की जगह को भी व्यवस्थित कराया, ताकि जब पशु नीचे बैठे तो उनके शरीर में रगड़ ना हो। किसान सेवा केंद्र पलवल से जुड़कर विद्या सागर डेयरी फार्मिंग की नई तकनीकों की सही सही जानकारियां हासिल करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इन्हें पशुओं के बारे में कई अहम जानकारियां भी मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपने डेयरी फार्मिंग में करते हैं, जो कि इन्हें काफी मददगार साबित हुई है। विद्या सागर ने अपने डेयरी फार्म को पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इनके फार्म में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। चूने का छिड़काव कर पशुओं को कीड़ों के प्रभाव से भी बचाया जाता है। पशुओं के खान पान से लेकर उनके रखरखाव तक का वे खुद निरीक्षण करते हैं। साथ ही पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विद्या सागर पशु चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। विद्या सागर के डेयरी फार्म में दूध निकालने से लेकर दूध को स्टोर करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सारा काम बेहद सतर्कता के साथ मशीनों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले दूध निकालने के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू को दर्ज किया जाता है। बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल कर दूध को ठंडा किया जाता है और एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विविधता ने विद्या सागर की सफलता को नए आयाम दिए हैं। वे अपने पशुधन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बात गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इकाई खोल केचुआ खाद बनाना हो, वे हर काम को वैज्ञानिक ढंग से करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में विश्वास रखते हैं। महज 3 साल से ही विद्या सागर ने अपने फार्म को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनकी कामयाबी देखकर उनके क्षेत्र के अन्य किसान भी डेयरी फार्मिंग को अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि जिला स्तर पर उनके काम की सराहना भी हुई है। जिला स्तरीय किसान मेले में विद्या सागर को सम्मानित किया जा चुका है और कृषि क्षेत्र में नवीनतम पद्धति और उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो देखा आपने कैसे अब हमारे जो किसान हैं पशुपालन क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ भी नई नई ऊंचाइयां जो हैं उनको छू रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में पीएम कुसुम योजना के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, फार्मिंग इंडिया में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं PM कुसुम योजना के बारे में। जी हां, लगातार सरकार का प्रयास यही रहा है कि किस तरीके से और कहां पर संभावनाएं हैं किसानों की लागत को कम करने के लिए। PM कुसुम योजना जो है, इसके जरिए भी आप जानते हैं हमारे जो किसान हैं अपनी लागत को कम कर सकते हैं। क्या कुछ और है इस योजना में, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं।
जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक, 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। और आइए अब नजर डाल लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी, किस तरीके से ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा पहले ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपको बता दें हम ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पे भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।